एवरीवन, आप सब कैसे हो? तो मैं एक आज बिल्कुल न्यू रेसिपी बना रही हूँ, चॉकलेट मूज। एक कप मैं ये दूध लेती हूँ मेजरमेंट से। फिर मैं इसमें लूँगी कोको पाउडर, कोई सा भी कोको पाउडर आप ले सकते हो, उसको भी मैं मेजरमेंट करके ही डाल रही हूँ। ये कोको पाउडर एक कप मैं इसमें डाल के और उसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। कोई भी लम्स ना रहने तक आप मिक्स कर लीजिए इसको। आप देख सकते हो कि मैंने इसे अच्छे से घोल दिया है। अब मैं एक पैन लेती हूँ। अब मैं इसमें दो कप दूध डालती हूँ। एक कप मैंने दूध डाला, एक कप मैं और डालती हूँ, दूसरा कप दूध भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब मैं इसमें एक कप चीनी डाल देती हूँ। अच्छे से मैं स्टर कर रही हूँ इसको। कोको पाउडर और मिल्क को मैंने फेंट लिया। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, कॉर्नफ्लोर में डाल लूँ। इसको भी अगेन मिक्स कर देती हूँ। ये ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला रनिंग बैटर बनके तैयार हो गया। इसमें मैंने डाला है एक कप दूध, एक कप कोको पाउडर, एक कप कॉर्नफ्लोर, और तीनों को मैंने बराबर बराबर मात्रा में डाल के मिक्स करके रखी हूँ। ये मैं इसको छन्नी से छान के इसमें डाल देती हूँ दूध में। एक भी लम्स इसमें नहीं रहे, इसलिए मैंने इसको आराम से डाला है। अब इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक ये अच्छा सा थिक थिक डो जैसा बन ना जाए। इसको हम कंटिन्यू चलाएंगे वरना इसमें लम्स आ जाता है। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल ये रेसिपी है। कोई लर्नर भी इसे आराम से बना सकते हैं। बच्चों का तो ये फेवरेट होता है। अब ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। यहाँ पे आप बटर दे दीजिए एक चम्मच, नहीं तो आप घी भी डाल सकते हो। ये मैं बटर डाल दी हूँ इसमें। ये मेरा डिलीशियस चॉकलेट मूज बनके तैयार हो गया है। अब इसको बंद मैं करती हूँ इस स्टेज पर, और थोड़ा ठंडा होने पर मैं इसको कोई भी मोल्ड में डाल के इसको 3 घंटे तक फ्रिज में ठंडा रख करूँगी। फिर मैं पीस काट के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मैं इसमें रख के बना रही हूँ। तो मैंने एल्युमिनियम फॉइल इसलिए डाला है ताकि ये निकलने में आसानी हो। अच्छे से मैं स्प्रेड कर रही हूँ ताकि इक्वल हो जाए चारों तरफ से। इसको मैं ऐसे मोड बंद कर रही हूँ ताकि एक शेप में आ जाए, और बंद करके मैं फ्रिज में 3 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। मैंने 3 घंटे इसे फ्रीजर करके रखा था। तो ये अब किस तरह का मेरा चॉकलेट पुडिंग हो रहा है। ये देखो, ये कोको पाउडर से मैं डस्ट इसको कर देती हूँ। अब मैं आपको पीस में काट के दिखाती हूँ कि कैसा बना है। ये देख, ये बहुत ही फ्लफी और बहुत ही डिलीशियस।
ये मेरा चॉकलेट मूज बनके तैयार हो गया। मेरा चॉकलेट मूज बन गया है। आप सब मुझे लाइक और सब्सक्राइब भर भर के करना, कमेंट भी करना कि आपको कैसा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।